हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्ड्स माफिया में। मेरा नाम जय शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आपको बर्ड्स के बजी से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो गाइस, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि बजरी तोतों को घर पर लाने के बाद कितने दिन में वो ब्रीड कर देते हैं। तो गाइस, आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही सिर्फ बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बजरी तोते कितने दिनों में ब्रीड कर देते हैं और गाइस ये किस टाइप के पैरट हैं, ये क्या हैं, किस टाइप से, मैं इनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो गाइस, जनरली आप जहाँ से भी पेयर लेके आते हैं, जैसे भी मतलब आप दुकान से ले रहे हैं या फिर किसी कॉलोनी वाले से ले रहे हैं, कैसे भी, तो आप पहले तो एक कंफर्म पेयर ले, आप कंफर्म पेयर ले, उसमें मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। और गाइस, एक आप उनका ब्लड लाइन का भी ध्यान रखें, जिसमें ब्लड लाइन जो होती है वो अलग अलग हो। ब्लड लाइन क्या होती है, यानी वो सिंगल पेरेंट्स बच्चे नहीं होने चाहिए, यानी उनके पेरेंट्स मतलब सेम नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे होने चाहिए। तो उससे जो कलर वेरिएशन होता है वो अच्छा आता है। नहीं तो जो रॉ पैरट होता है बजीस का, जो जंगली कलर होता है जिसे हम बजरी कलर बोलते हैं, वही आएगा। तो गाइस, आप एक ब्लड लाइन का ध्यान रखिएगा। और गाइस, सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप लोग जैसे कि बजीस को लेकर आते हैं कहीं से कॉलोनी वाले, तो गाइस वो आपको बड़े बर्ड्स नहीं देते, वो आपको छोटे बच्चे ही देते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने होती है। तो आप उनको लाते ही क्या मटकी दे देते हैं, तो मटकी देने के बाद वो जल्दी ब्रीड नहीं करते हैं, क्योंकि मटकी में जाने का इंटरेस्ट उनका जब ही ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उनकी एक तो वो ब्रीडिंग एज नहीं होती है, तो वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए गाइस, आप उनको लाते ही मटकी ना दे। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो बजरी पैरट होते हैं वो कितने टाइम में ब्रीड करते हैं, इनकी एक ब्रीडिंग एज होती है, जिसको अपन मतलब जो इनकी ब्रीडिंग एज होती है वो 6 महीने से स्टार्ट होती है। वैसे 4 महीने के बाद ही ब्रीड देना चालू कर देते हैं। तो गाइस, 4 महीने के बाद आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं, आपको अच्छी से अच्छी ब्रीड दे देंगे। इनसे ब्रीड लेने के मतलब जो आप ला रहे हैं तो इनको लाते ही वो मटकी वगैरह ना दे। और ये गाइस आपको है ना मतलब 4 महीने की एज के बाद से ब्रीड देना चालू कर देंगे। और आप कंफर्म पेयर लेके आए, आपका मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। और उसके बाद गाइस, आप इनको जो भी इनका मल्टीविटामिन कोर्स वगैरह होता है सब कंप्लीट दीजिए, इनका दाना वगैरह सब चीज़ कंप्लीट रखिए, जिससे इनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, आप अपने घर पे इनको लेकर आ रहे हैं उसके कम से कम 1.5 महीने बाद मटकी दे, कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद मटकी देने से ये होगा कि ये आपके जो भी मतलब एरिया है उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिससे कि ये ब्रीड करने में आसानी रखेंगे और ये ब्रीड कर देंगे। क्योंकि इनको फिर जो भी डर रहता है कि आप इनको कुछ कर ना दे, या फिर ये कि डर सबको ही रहता है एक दूसरे से, तो वो डर निकल जाता है अगर आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम रहेंगे। तो आप इनका ये चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद गाइस, जो भी चीज़ें होती है, एक आप इनके पिंजरे में एनी टाइम मतलब दाना पानी रखिए, जिससे इनको ये लगेगा कि हमारे पास दाना पानी की कमी नहीं है, उससे भी ये जल्द से जल्द ब्रीड करते हैं। क्योंकि अगर इन्हें ये लगा कि इनके केज में दाने पानी की कमी है तो ये ब्रीड नहीं करेंगे, उससे ये सोचते हैं कि इनके बच्चों को ये क्या खिलाएंगे। तो इसलिए आप इसका भी ध्यान रखिएगा, आप अपने केज में का दाना पानी रखते रहिए, एक कैल्शियम ब्लॉक और केटल फिश बोन जो इनकी आती है वो ज़रूर से ज़रूर दें, मल्टीविटामिन कोर्स कराएं, एज का ध्यान रखें, जेंडर वगैरह कंफर्म रखें। और गाइस, इसमें जो मेल होता है उसको जानने की भी बहुत सी चीज़ें होती है। गाइस, आपको इसके अलावा और भी बजीस से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, ब्रीड वगैरह, उनके बारे में हमारे चैनल पर और मिल जाएगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से एक बार कर दीजिए, और हमारे चैनल पर इससे जुड़ी हुई और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, आज के लिए ये सब हमने जो भी बताया ये सब इनके बारे में ही था। इनमें आपको मतलब जो भी आप लेकर आ रहे हैं उससे आपको ब्रीड ले सकते हैं, इतने टाइम में ये ब्रीड कर देते हैं बजीस पैरट घर के लिए। स्टार्टिंग जो मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं पैरट रखना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रीड होती है घर में पालने के हिसाब से, और ये बहुत ही जल्दी आसानी से ब्रीड कर देते हैं।
और इनसे कोई भी ब्रीड ले सकता है, क्योंकि सबसे इजी ब्रीड करने मतलब सबसे इजीएस्ट जो पैरट होते हैं ये पैराकिट्स श्रेणी में आते हैं, पैराकिट्स उसमें आते हैं, तो सबसे जल्दी ब्रीड ये कर देते हैं, सबसे अच्छे बर्ड होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इन मतलब पैरट्स को पालने की, तो आप इनसे ही करिए, क्योंकि इनसे बेस्ट बर्ड कोई नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर